शांति। आज के हमारे सत्र का विषय है लॉ ऑफ कर्मा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जानो, जिसे कि बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी नहीं जान पाए, क्योंकि इसी कर्मों के ज्ञान से ही तुम मुझे प्राप्त हो सकते हो। तो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देने के लिए ही परमात्मा इस समय अवतरित हुए हैं, क्योंकि आज चारों ओर लोगों के कर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे दिव्य ज्ञान को, श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञान को जब हम अपने आचरण में लाते हैं, तब हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो कहा जाता है दुनिया में दो गति बहुत ही गुह्य है। एक है समय की गति, क्योंकि जिस तरह से हमने कालचक्र में देखा कि समय को जानने से हम अपने मन के प्रश्नों को, मन की उलझनों को ख़त्म कर सकते हैं, कि समय कह रहा है कि परिवर्तन काल चल रहा है, संगम युग चल रहा है, और संगम युग है कल्याणकारी युग। इसमें जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और दूसरी गति आती है कर्मों की गति, जो भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कर्म फिलॉसफी क्या कहती है, लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमें प्राप्ति हो रही है, फल मिल रहा है, उसका कोई ना कोई कारण है, और जो भी कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम ज़रूर निकलता है। इसको हम कहें कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी जो हमें फल अच्छा या बुरा मिला है तो वो बेवजह नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। तो आज देखा जाता है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो उलझन में है वो कर्मों को लेकर है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, माना वो कई तरह से इस तरह के प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं कि अब क्या करें, कि अपने आप को कैसे हम सुधारें। तो इसके लिए जो एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो कि एक बार की घटना में हमें एक बहुत शिक्षा प्राप्त हो सकती है, कि हमारे जन्म, आत्मा जो है वो एक लॉन्ग जर्नी पर है, तो इस पर कई पूर्व जन्मों का भी प्रभाव है, वर्तमान में किए गए कर्मों का भी प्रभाव है। तो इस तरह से हम कर्म के साथ उसका फल भी भोगते हैं। कि एक बार एक घर में परिवार के सदस्य एक बहुत ही अच्छा सीरियल देख रहे थे, और जब भी उसमें कोई एपिसोड सामने आ रहा था तो बहुत सब खुश हो रहे थे। कोई दृश्य सामने आता तो देखकर वाह वाह करते कि वाह जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और तभी एक व्यक्ति आकर के उनके साथ बैठ जाता है, और जब वो उस सीरियल को देख रहा होता है तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। कोई भी दृश्य का आपस में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन वो सभी परिवार के सदस्य बड़े खुश हो रहे हैं। तो जब वो सीरियल ख़त्म होता है तो व्यक्ति पूछता है कि आप सब इतने खुश कैसे, उसमें क्या ऐसा दिख रहा था आपको जो आपको वाह वाह मुंह से निकल रही थी। तो कहा, ये आज सीरियल का लास्ट एपिसोड है, बहुत इंटरेस्टिंग, तो इसमें सारे सस्पेंस खुल रहे थे, और आप तो यहाँ पर पहली बार आए हैं, पहली बार बैठे, तो आपको कैसे समझ में आएगा, आपने तो पहले के एपिसोड्स नहीं देखे। तो ये घटना, ये बात जो है, हमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में समझाती है, कि हमारा जो एक एक जन्म है वो एक एक एपिसोड की तरह है, और इसमें हम कई अपने पूर्व जन्मों में हमने क्या किया, किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, हम ये नहीं जानते। और जब वर्तमान को देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई व्यक्ति आकर हमें हेल्प करके चला गया, कोई हमें अपमानित करके चला गया, तो
इस तरह की घटनाएं हमारे सामने क्यों आ रही हैं जो किसी का भी आपस में लिंक नजर नहीं आ रहा है? तो इसमें हम यही कहेंगे कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल हम कहीं ना कहीं भोगते हैं। तो इस तरह से कर्मों की गुह्य गति को जानना बहुत आवश्यक है, जो परमात्मा आकर के हमको समझाते हैं कि इसमें जो नियम काम कर रहे हैं, जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, कि इसमें अब हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है कि हम बीज कैसा बो रहे हैं, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। और बीज है हमारे संकल्प, जैसा हम संकल्प रचते हैं वैसा हम कर्म करते हैं। तो जब बीज पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो फल भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो इसमें एक हमें एक दृष्टांत याद आता है कि कैसे हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि आज यही माना जाता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको योनि प्राप्त होगी, कि मनुष्य के साथ ये बात जुड़ी हुई है, इसलिए वो कई बार इस विषय को छोड़ देता है। उसे बहुत पेचीदा ये विषय लगता है कि हम तो कहीं ना कहीं जो ये कर्म कर रहे हैं तो हमें किस योनि में जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगता है, 84 लाख योनियों में जाता है और तब जाकर उसको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। हम मनुष्य योनि में हैं तो हम हर जन्म मनुष्य योनि में ही लेंगे। तो इसका क्या प्रमाण है? तो सबसे पहली बात, अगर हम ये मान लें कि हम इन सब योनियों को क्रॉस करने के बाद ये एक मनुष्य जन्म हमें मिलता है, तो इसमें ये होगा कि हमने फिर जो भी हमने पाप कर्म किए उसकी सजा हमने उन जन्मों में भोग ली है। फिर तो ये जन्म हमारा बहुत ही सुखी होना चाहिए, इसमें तो अब कोई भी दुख, चिंता, परेशानी, शारीरिक तकलीफें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा दुख है। आज हम कई बच्चों को देखते हैं जो जन्मते ही उनके अंदर कोई शारीरिक अंग की कमी होती है, शारीरिक कमजोरी होती है, तो उन्होंने कैसा कौन सा कर्म किया, ये कौन से जन्म की उनको ये सजा मिल रही है? कि एक बच्चा पैदा होता है और वो बहुत ही अच्छे बड़े परिवार में पैदा हुआ, गोल्डन स्पून इन द माउथ, तो एक स्वस्थ बच्चा है, संपन्न परिवार में जन्मा है और एक को तो दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। तो इस तरह का डिफरेंस क्यों होता है? लोग फिर भगवान को भी दोष देने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन भगवान अगर भाग्य बनाता, जैसे आज कोई माता पिता, उन्हें ये कहा गया कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिख सकते हैं, तो माता पिता हर एक बच्चे का, चाहे वो बच्चा शरारती हो, चाहे वो उसकी बात नहीं मानते हो, लेकिन हर एक बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? पहली पॉइंट कि वो बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य लिखेंगे कि हर एक बच्चे को बहुत खुशी मिले, सफलता मिले, सक्सेस मिले, और दूसरा कि सबका एक समान वो भाग्य लिखेंगे। तो इस तरह से हम भगवान को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। मनुष्य जीवन में ही वो हर तरह की योनि का अनुभव कर रहा है, हर एक दुख का वो अनुभव कर रहा है कि आज एक व्यक्ति का जीवन कैसा हो रहा है, जैसे कि जानवर के समान, कि आज जो जानवर डस्टबिन में खाना खोज रहा है वैसे आज एक गरीब व्यक्ति भी इस तरह का कार्य कर रहा है, तो उसे किसी और योनि में जाने की क्या आवश्यकता है, वो इसी योनि में ही सभी योनियों का अनुभव कर रहा है। अब बात आती है कि क्या उन जो दूसरी योनि के प्राणी हैं,
क्या उन्हें ये नहीं लगता कि हम भी मनुष्य बने? तो हम ये कहेंगे कि हर एक को अपनी अपनी योनि प्रिय है, कि कोई बहुत बीमार है, बिस्तर पर लेटा है, उससे भी अगर आप पूछे कि क्या आपको इस जन्म के बाद कि कोई कीड़ा मकोड़ा बनना है, तो वो कहेगा नहीं नहीं जैसा भी हूँ मुझे ये मनुष्य योनि ही प्रिय है। तो इस तरह से ही अगर हम को भी अनाज सुखाते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो जब उन पर धूप पड़ती है तो वो भी इधर उधर भागने लग जाते हैं, अर्थात वो भी अपने प्राणों की रक्षा तो ज़रूर करते हैं। वो ये तो नहीं सोचेंगे कि हम अच्छा है मर जाएं तो हमें मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम ये कहें कि हर एक को अपनी योनि प्रिय होती है। और साथ साथ में आज साइंस भी मान रहे हैं, बहुत सारे इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, पुनर्जन्म की बात जो आज सभी मान रहे हैं कि व्यक्ति जो पुनर्जन्म लेता है तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो उन्हें याद रहता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे। हाँ, और कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे कभी हंसते हैं कभी रोने लगते हैं, उन्हें अपने पूर्व जन्मों की घटनाएं याद आने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं पूर्व जन्मों की बातें हम भूलने लगते हैं। तो आज जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, मान लो कोई ऐसा केस है जिसको पूर्व जन्मों की बातें याद रहती हैं, बहुत रेयर ऐसा है, तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि हम पास्ट में हमारे यहाँ ये माता पिता थे, हम इस जगह पर रहते थे, तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम कोई पशु पक्षी या जानवर थे। हर किसी की जो घटना है वो मनुष्य जीवन से ही रिलेटेड थी। और आज मेडिकल साइंस भी इन्हीं बातों का प्रयोग करके कई ऐसी जो बीमारियाँ जो किसी भी तरह की दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, तो वो उन्हें पास्ट लाइफ में ले जा कर के अपने पूर्व जन्मों की स्मृति में ले जा कर के ठीक करते हैं। जैसे आज कई लोगों को फोबिया होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी से, तो किसी को ऊंचाई से, तो हो सकता है पूर्व जन्मों में उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो कि उसी चीज़ ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, और ऐसी ही स्मृति में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कोई बहुत ऊंची मंजिल से गिरकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वो चीज़ उनके अंदर वो डर अभी तक बैठा हुआ है कि वो इस जन्म में भी वो इस बात से डर रहे हैं। तो जब उनको पूर्व जन्मों में ले जाया जाता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत किया जाता है, तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि मुझे वर्तमान समय में इन सब बातों से मुक्त होना है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, किसी भी अन्य योनियों में वो नहीं जाता है। तो जब बात आती है 84 लाख, तो वास्तव में 84 लाख नहीं है, 84 जन्म हम लेते हैं, और वो भी मनुष्य के रूप में ही लेते हैं, क्योंकि लाख जो शब्द है उसके 3 अर्थ होते हैं। लाख एक तो हम संख्यावाचक कहते हैं, लाख मतलब लक्ष्य भी होता है, और लाख मतलब देखना भी होता है। तो इसका अर्थ है कि अपने 84 जन्मों को लक्ष्य बनाकर देखो कि हमने किस तरह से सतयुग से लेकर अंत समय तक, संगम युग, पूरे 5000 वर्ष में जो 84 जन्म लिए हैं, तो उसमें अपने कर्मों को देखो कि कैसे कैसे हम कर्म कर रहे थे और अभी क्या कर्म कर रहे हैं, और किस तरह से अभी हमें परिवर्तन करना है। तो काल चक्र में हमने जाना कि इस 5000 वर्ष के चक्र में चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और पांचवा युग जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, तो ये संगम युग की सुंदर बेला अभी चल रही है जिसमें आकर के परमात्मा हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहला है सतयुग। तो सतयुग में जब हम सभी आत्माएं देव आत्मा के रूप में हैं, पवित्र आत्माएं हैं,
तो यहाँ हमारी आयु भी बहुत लंबी है, हम ना 150 वर्ष की आयु तक जीते हैं और यहाँ हमारे 8 जन्म होते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था में होती है। तो जैसे आत्मा सतो प्रधान है तो प्रकृति भी यहाँ पर सतो प्रधान अवस्था में है, और उससे जो ये शरीर बना है 5 तत्व वो भी सतो प्रधान है। तो 8 जन्म है, लंबी आयु है, और यहाँ हम कहलाते हैं सूर्यवंशी, हमारा कुल होता है सूर्यवंशी। फिर धीरे धीरे हम पहुँचते हैं त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जैसे जैसे आत्मा की कला कम होती है, जन्म भी हमारे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले 8 जन्म, फिर उसके बाद 12 जन्म हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम और नीचे उतरते जाते द्वापर काल में आते हैं। तो यहाँ पर आत्मा के अंदर जैसे ही बॉडी कॉन्शियस आने लगता है, हमारे वो दैवी गुण खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर और गिरावट आने लगती है। तो ऐसे करते करते हम अभी पहुँच गए कलयुग में। तो कलयुग में आत्मा जब कलाहीन हो जाती है, और जब हम संगम युग में आते हैं, तब परमात्मा से फिर हमें वो शक्ति प्राप्त होती है और हम फिर से अपने आप को शक्तिशाली बनाकर वापस परम धाम में जाते हैं। तो आत्मा इस पूरे चक्र में मैक्सिमम 84 जन्म लेती है और मिनिमम 1 जन्म। कि कई आत्माएं केवल कलयुग में आती हैं, उनका पार्ट कलयुग में होता है और वो फिर चली जाती है। तो इस तरह से ये 84 जन्मों को अब हमें जानना है कि कैसे हमने सतयुग में कर्म किए, क्योंकि काल चक्र का और कर्मों की गति का बहुत ही गहरा रहस्य है। कि सबसे पहले सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग में हम जो भी कर्म करते हैं उसका ना कोई पुण्य का खाता बनता है ना कोई पाप का खाता बनता है। जैसे कि अगर हम बीज बोते हैं तो ये श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन जो उसका हम फल खा रहे हैं, फल खाना भी एक कर्म है, लेकिन उसका कोई खाता नहीं बनता है। तो इसको हम कहेंगे कि हम अकर्म कर रहे हैं। जो संगम युग पर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो परमात्मा की स्मृति में, आत्मस्मृति में हम करते हैं, उसका ही फल हम सतयुग और त्रेता में भोगते हैं। फिर दूसरा, जब हम त्रेता में आते हैं तो भी हमारे अकर्म ही कहलाएंगे, लेकिन जैसे हम द्वापर काल में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे वो खाता जो है खत्म होने लगता है। फिर हम दान पुण्य करते हैं, और जब हम संगम युग में आते हैं, संगम युग से पहले जब कलयुग में व्यक्ति के पाप कर्म का खाता बढ़ जाता है, पुण्य की पूंजी खत्म हो जाती है, और संगम युग में फिर परमात्मा आकर के हमें जो ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, और इससे हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो इस श्रेष्ठ कर्मों का फल हमें आगे के जन्मों में प्राप्त होता है। तो इन सब जन्मों में हम देखें कि सबसे श्रेष्ठ कर्म करने का समय जो अभी हमें मिला है वो है संगम युग का समय। तो संगम युग के समय को हम व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा आकर हमें वो कर्मों की गुह्य गति का राज समझा रहे हैं, और जिससे हम अपने आप को, अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, और व्यर्थ नकारात्मकता से धीरे धीरे अपने मन को हटा सकते हैं। संगम युग पर जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पुण्य की पूंजी जमा करते हैं, उसका फल हम सतयुग और त्रेता में भोगते हैं। हम
जो भी हम कर्म करते हैं उसकी प्रारब्ध हमें मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा बैलेंस था वो खत्म होने लगता है। जब हम द्वापर में आते हैं तो हमने सोचा कि अभी तो और भी 2 युग बचे हुए, तो हम फिर और पुण्य करते हैं, दान पुण्य करना, अनेक तरह से ना, किसी भी तरह से हम ये सोचते हैं कि हमारा कुछ खाता जमा हो जाए। जमा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर कलयुग तक बिल्कुल खत्म हो जाता है और अब पाप का खाता बढ़ जाता है, किसी को थप्पड़ मारना, दुख देना, शब्द बोलना, तो इस तरह के पाप कर्म का खाता जमा होने लगता है। और फिर हम क्या करें ना, फिर तो दुख अशांति बढ़ती जाती है और फिर हम क्या कहते हैं, हाय मेरा कैसा भाग्य है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अभी श्रेष्ठ कर्म तो नहीं कर रहे हैं और हमारा पाप का खाता तो आगे की आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो पास्ट इज पास्ट, हमने जो पास्ट में किया वो हमें याद नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में है मेरा वर्तमान। वर्तमान समय हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उसका फल अभी नहीं तो बाद में जरूर मिलेगा। उसके लिए हम धैर्यता जरूर रखें। जैसे एक बार एक सेठ जी थे, बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनकी जो नेचर थी कि वो कंजूस प्रवृत्ति के थे, कि उनके घर में कोई भी आता, गरीब भिखारी, तो वो अपने सभी घर के मेंबर्स को उन्होंने कह दिया था कि कोई भी कुछ देगा नहीं, कोई दान पुण्य करने का रिवाज उनके घर में नहीं था, स्ट्रिक्टली उन्होंने सबको मना कर दिया था। लेकिन थोड़े दिन बाद उनके बेटे की शादी हुई, नई बहू आई, तो बहू के संस्कार बहुत ही धार्मिक थे, दान पुण्य करने की प्रवृत्ति थी। तो उसने जब घर का माहौल देखा तो उसने सोचा कि यहाँ भी कुछ परिवर्तन मुझे लाना है। तो एक बार जब वो अपनी बालकनी में खड़ी थी तो एक भिखारी आता है और वो कहता है कि 3 जन्मों का भूखा हूँ, कुछ रोटी टुक्कड़ हो तो दे दो। तो बहू जवाब देती है कि बासी रोटी खाते हैं, कल उपवास रखेंगे। तो ये बात जैसे ही सेठ जी के कानों में पड़ी तो सेठ जी तो बहुत नाराज हो गए, आग बबूला होने लगे कि मैं अपनी बहू को इतना अच्छा देता हूँ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, और बहू क्या कह रही है कि बहू ने तो मेरी सारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी, मुझे तो कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। और वो गुस्से में आकर के सोचते हैं कि अब तो इसको घर वापस भेजना ही है, पंचायत को बुलाते हैं। पंचायत बैठती है ना, तो वो सेठ जी बहू से फिर पूछते हैं कि तुम्हें क्या कमी है घर में, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि बासी रोटी पर हम गुजारा कर रहे हैं। तो वो पंचायत मिलकर के फिर ये कहती है कि आपकी बहू बहुत समझदार है, उसने जो कहा है उसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। तो बहू ने कहा कि मैंने अगर कोई गलत कहा, कोई बात कही हो तो मुझे बताइएगा कि जो भिखारी ने कहा 3 जन्मों का भूखा हूं, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में भी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, तो वो इस जन्म में भी भिखारी बना और इस जन्म में भी वो कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहा है, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका आगे का आने वाला जन्म भी इसी रूप से उसे मिलेगा, भिखारी ही वो बनेगा। और मैंने जो उत्तर दिया कि बासी रोटी खाते हैं, माना अभी जो मुझे कुछ मिल रहा है, हमारे परिवार को जो कुछ मिल रहा है, वो हमारे पूर्व में जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में तो कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे, दान पुण्य नहीं कर रहे, योग्य पात्र को नहीं दे रहे, तो आगे के लिए तो हमें उपवास रखना पड़ेगा, आगे के लिए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें लगा कि बहू की बात में दम है, बहू जो कह रही है उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, तो
तो हम भी अपने कर्मों को देखें कि अभी वर्तमान में हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कि श्रेष्ठ कर्म अर्थात जिन कर्मों से हमें दुआएं प्राप्त हो, कि लोग कहें कि नहीं बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये जो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ही इस जन्म में भी हमें सुख देगी और हमारे 21 नहीं 84 जन्म भी बहुत ही श्रेष्ठ होंगे, कि हमें किसी तरह का कोई अभाव नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी और हम हर जन्म में भरपूर रहेंगे। तो इस तरह से कई बार लोगों के मन में फिर प्रश्न आता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कब मिलता है, या इस जन्म में मिलता है या 2-3 जन्म के बाद मिलता है। तो यही कहेंगे कि जैसा बीज जितनी दृढ़ता से हम बीज बोते हैं उतने ही है ना उसी रूप से हमको वो फल की प्राप्ति होती है। बीज कमजोर होगा तो फल भी हमको उसी तरह का प्राप्त होगा। फिर कई लोग कहते हैं कि आज जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, जो बेईमान हैं, वो तो ज्यादा ही फल फूल रहे हैं और हम तो सच्चाई से ईमानदारी से चलते हैं तो हमें उतना फल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना धैर्य का फल मीठा होता है, कि जो बेईमानी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो कर्म रिकॉर्ड हो रहा है और उसे उसका फल भी जरूर मिलेगा। जैसे कि एक बार दो दोस्त होते हैं, एक ईमानदार होता है एक बेईमान होता है। तो जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक पर्स मिलता है, तो बेईमान कहता है कि चलो हम दोनों को ये दिखा है पर्स, तो हम आपस में इसमें जितने भी पैसे हैं उसका बंटवारा कर देते हैं। लेकिन ईमानदार कहता है नहीं, ये पर्स जिसका है उसे मिलना चाहिए, हम इसे पुलिस स्टेशन में देकर आएंगे और फिर वो पुलिस वाले जिसको देना है वो देंगे। तो बेईमान कहता है कि ये तो हमारे भाग्य में मुझे मिला है और हमने पुलिस वाले को दे दिया तो क्या गारंटी कि उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, वही रख लेंगे। तो ईमानदार ने फिर कहा मैं तो नहीं रख सकता, तो वो अपने रास्ते पर चल देता है और बेईमान उस पर्स को अपने साथ रख लेता है, उसके पैसे वो रख लेता है। तो जब वो रास्ते से जा रहा था, जो ईमानदार व्यक्ति आगे चल करके उसको एक कांटा चुभ जाता है और खून निकलने लगता है उसमें से, पैर में से। तो बेईमान को बड़ी हंसी आती कि देखो क्या फल मिला तुम्हारी अच्छाई का। तो ऊपर देवलोक में देवताएं विचरण कर रहे थे तो उन्होंने ये सारा दृश्य देखा कि कैसे बेईमान ने उसको पर्स पैसे मिले और ईमानदार को उनका उसे कांटा चुभ गया। तो उन्होंने जाकर के पूछा चित्रगुप्त से कि आपके हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई है कि अच्छाई का फल ये मिला कि उसे कांटा चुभा। और बेईमान तो बड़ा खुश है, उसने तो पर्स चोरी करके भी वो खुश है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, कि कर्म का फल अटल है, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ सकता है। तो उन्होंने फिर अपना रिकॉर्ड देखा और बताया कि जो व्यक्ति आज जो ईमानदार था जिसको कांटा चुभा, तो पूर्व जन्मों में उसने बहुत ही गलत काम किए थे और फिर उसे अभी ये लास्ट मौका मिला था अपने आप को सुधारने का और उसने ये फायदा उठाया इस मौके का। तो उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, उसके कर्म का उसे ये फल मिलने वाला था। लेकिन जो उसने इस जन्म में धीरज रखा, धैर्यता रखी और अपने आप को परिवर्तन कर लिया, तो उसे बस एक छोटा सा कांटा चुभा। मतलब बात कितनी बड़ी थी, वो सूली से कांटा हो गई। और जो व्यक्ति बेईमान था जिसे पर्स मिला, वो अपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छा बहुत ईमानदार था और उसे उसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली थी, बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था,
लेकिन इस अंतिम मौके पर उसने अपना वो धैर्य खो दिया और केवल उसे वो 1,000 रुपए ही नसीब में मिले। तो इस तरह से हमें भी कभी ये नहीं सोचना है कि लोग तो बहुत ऐसा काम करके भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने रास्ते पर ईमानदारी, सच्चाई पर अटल रहना है। सत्य कर्म की हमेशा ही विजय होती है, हमेशा उसका श्रेष्ठ पुण्य ही हमें मिलता है। तो अब जो समय, वर्तमान समय, हम देखते हैं कि पाप कर्म जो हमसे हो जाते हैं, जाने में और अनजाने में, कई बार व्यक्ति अनजाने में भी पाप कर्म कर बैठता है। हम सोच रहे हैं हम तो पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा विकर्म का खाता बन जाता है। और वो कैसे? जैसे कि कई बार हम ना बाहर जाते हैं, मंदिर में या ट्रेन में सफर करते, तो वहाँ हमें है ना गरीब भिखारी दिखते हैं और वो हमसे पैसे मांगते हैं, और हमें जब दया आ जाती है तो हम उन्हें वो पैसे अपने दे देते हैं। लेकिन हमें क्या मालूम कि वो उन पैसों का क्या प्रयोग करने वाले हैं। किसी ने उससे चाकू खरीद लिया और किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो उसने जो पाप कर्म किया, लेकिन उसमें हमने उसे सहयोग दिया, हमने उसे पैसे दिए थे, तो उसकी भागीदारी हमारी भी होगी, उसके पाप कर्म में हम भी भागीदार होंगे। तो इस तरह से अनजाने में भी हमसे पाप हो जाते हैं। तो वर्तमान समय हमें बहुत संभल कर चलना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दान भी जो हम देते हैं तो पात्र को देखकर ही दान करना चाहिए, नहीं तो अनजाने में ऐसे हमारे कई सारे पाप ऐड होते जाते हैं और भागीदारी भी बनती जाती है। जैसे आज ये कहते हैं कि जो मांस खाने वाले, बनाने वाले, पकाने वाले, बेचने वाले, तो सभी पर वो पाप चढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कसाई है, वो कसाई है और उसने मांस बेचा किसी रेस्टोरेंट वाले को, और रेस्टोरेंट वाले ने फिर कहीं पार्टी हो रही थी तो वहाँ पर बनाया, और जितने भी लोग उसमें शामिल हुए सब ने उसे खाया, तो उसमें कहीं ना कहीं सबकी भागीदारी थी। पाप करने वाले हैं एक, लेकिन भागीदारी तो सबकी ही थी। और अगले जन्म में संयोग से ऐसा हुआ कि सभी जितने भी लोग थे शामिल उस पाप में, वो सभी उसी एक बस में जा रहे थे, और वही जानवर जिसे कसाई ने काटा था वो उस ड्राइवर के सामने आ जाता है। बस एक पहाड़ी पर जा रही थी और वो जानवर अचानक उनके सामने आ गया, तो उस जानवर को बचाने के लिए ड्राइवर ने जैसे ही अपनी बस को मोड़ा, संतुलन बनाने की कोशिश की, और बस पहाड़ी से नीचे पलट गई। तो उस ड्राइवर से के परिणाम से वो ने लोग थे उसमें सबको कहीं ना कहीं, किसी ने अपनी जान गंवा दी, किसी को कहीं ना कहीं चोट आ गई, तो ये वही सब लोग थे जो उसमें शामिल थे, और वो कसाई वो ड्राइवर बना था। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि अब जो समय चल रहा है, संगम युग समय चल रहा है, तो इसमें अब बहुत हमें संभल कर चलना है कि पास्ट का जो हमारा खाता बना हुआ है उसको हम परमात्मा की याद से, योग अग्नि से भस्म कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अभी डायरेक्ट आए हुए हैं, तो डायरेक्ट उनसे जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो जैसे कि अग्नि में हम कुछ भी चीज़ डालें तो उसका पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, वो शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही आत्मा जब योग अग्नि में तपती है तो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, अपवित्रता है, वो सब खत्म हो जाती है। तो हमारा ये जो लास्ट एपिसोड चल रहा है, ये संगम युग का हमारा अंतिम जन्म है, और इस अंतिम जन्म में हम अपने सभी हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं,
जितने भी लोगों के साथ अभी हमारे कर्मों का खाता बना हुआ है, तो अभी हमें उसे क्लियर करना है, हमें बढ़ाना नहीं है। किसी ने हमें कुछ कहा, हम चुप रहते हैं, सहन करते हैं और उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो वो खाता हमारा धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। जैसे कि एक सच्ची घटना है कि एक बार जैसे कोर्स चलता था, तो एक बहन आती थी, 7 डेज का कोर्स उसने पूरा किया, उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा, उसके जीवन में भी उसे बहुत परिवर्तन महसूस हुआ, और फिर रोज़ वो सुबह के टाइम नियम से सत्संग करने आती थी। और रोज इस तरह जब उसे है ना आने का सुबह मौका मिलता था, और उसके मन में एक बात थी कि मैं शाम को भी क्यों ना जाऊँ, शाम को भी मेरे पास समय रहता है, तो मैं शाम को भी मेडिटेशन के लिए आ सकती हूँ। लेकिन उसे एक बंधन था उसके पति का, कि पति जैसे ही वो ऑफिस से आते तो उन्हें कहते थे कि तुम मेरे पास बैठ करके टीवी देखो, कुछ नहीं बस टीवी देखो। लेकिन उसका मन तो वहाँ नहीं लगता था, उसका मन बार बार उसको खींचता था कि मैं जाऊँ मेडिटेशन करूँ। फिर उसके बाद कुछ समय ऐसा बीता, उसे बार बार पति के लिए यही संकल्प चलता था कि पति मेरा ऐसा क्यों करता है, मुझे जाने क्यों नहीं देता है। और फिर उसे मौका मिला माउंट आबू जाने का, और वहाँ जब वो मेडिटेशन रूम में एक बार बैठी, तो उस तरह से उसे साक्षात्कार होता है, ऐसे एक फीलिंग आती है कि उसने देखा एक बहुत बड़ा मंदिर है, और मंदिर में एक हट्टा कट्टा पुजारी होता है, और एक गरीब सा दुबला पतला व्यक्ति जैसे ही वो द्वार पर आता है, तो पुजारी उसको भगा देता है कि नहीं तुम्हें अंदर नहीं आना है, प्रवेश करने नहीं देता है। तो वो रोज़ कोशिश करता है जाऊँ, उनसे प्रार्थना करूँ, मैं भी मंदिर में जाऊँ, लेकिन वो पुजारी कभी भी उसको आने की अनुमति नहीं देता है। तो उसे फिर धीरे धीरे ये दृश्य जब समझ में आया कि वास्तव में वो जो पुजारी है वो मैं हूँ, और वो जो व्यक्ति है जो उसे आने नहीं दे रहा है, तो वो उसका पति है। तो अब वो समझ गई कि अब मुझे इस तरह से शिकायत नहीं करनी है, मैंने तो कितना गलत किया उसके साथ, मुझे माफ कर देना। वो योग में भी अपने पति से माफी मांगती थी कि मैंने जो भी किया आपके साथ बहुत गलत किया, अब मुझे माफ करना। तो ऐसे वो शुभ भावना रोज रखती रही, परमात्मा को याद करती रही, और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ही वो पति कहता है कि मुझे तो मालूम है कि तुम्हारा मन तो यहाँ नहीं लग रहा है, आप जाओ मेडिटेशन करना है, आप सेंटर जा सकते हो। तो ये तो हम कहें कि वो कर्म बंधन खत्म हो गया, थोड़े समय का कर्म बंधन था वो खत्म हो गया, लेकिन कई बार है ना ये कर्म बंधन बढ़ भी सकता है, कड़ा भी हो सकता है, कि हमने किसी जन्म में किसी को बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, तो वो किसी न किसी संबंध में हमारे साथ है, क्योंकि दुख हमें किन से मिलता है, जो हमारे बहुत क्लोज है, जो हमारे बहुत नज़दीक है, उनसे हमें ज़्यादा दुख की फीलिंग आती है, दूर के संबंधों में नहीं आती है कि भाई है, बहन है, बेटा है, पत्नी है, सास है, कि सास ऐसी है जो हमें कदम कदम पर टोकती है, हमें टॉन्ट करती है, तो कहीं ना कहीं हमने भी किसी जन्म में उसे दुख दिया है, तब वो सास बन करके हमारे पास सामने आई है। तो अब हमें इस तरह से अपने आप को समझाना है कि मुझे अब किसी भी तरह से ना कोई भी कर्मेंद्रियों के द्वारा विकर्म नहीं करना है। मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार आएंगे, अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मुझे इंद्रियों के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरे विकर्मों का खाता जमा हो। वर्तमान समय अभी हमें श्रेष्ठ कर्म करने का चांस मिला हुआ है, एक मौका मिला है अपने आप को सुधारने का,
और इस ईश्वरीय ज्ञान और योग से, क्योंकि समझ तो हमें मिल चुकी है, लेकिन योग से हमें वो शक्ति भी प्राप्त होती है जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हम जो भी कर्म करेंगे आदि, मध्य और अंत को सोच कर करेंगे कि इस कर्म को करने से हमें क्या परिणाम मिलेगा। कि हम कोई भी कर्म बुद्धि के विवेक से करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं। भगवान हमारे कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे कहते हैं चित्रगुप्त हम सभी का एक खाता रखते हैं, है ना, उनका हिसाब किताब है, उस अनुसार ही हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। तो चित्रगुप्त अर्थात आत्मा के अंदर जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनता जाता है और वो रिकॉर्ड फिर जैसा जैसा है वैसे हमें फल की प्राप्ति कराता है। तो हम फिर भगवान को याद क्यों करें जब भगवान हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम अपने कर्म के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपना भाग्य स्वयं बना रहे हैं। तो भगवान को कहेंगे कि वो क्षमा का सागर है, वो करुणा निधान दया का सागर। तो जब हम उसके सामने अपनी गलती को महसूस करते हैं, सच्चे दिल से रियलाइज करते हैं, तो हमारी गलतियाँ माफ होती हैं और हम आगे के लिए सावधान हो जाते हैं कि आगे अब हमें ऐसे कर्म नहीं करने। उसकी शक्ति हमको मिलती है कि हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख पाते हैं। और परमात्मा को याद करने से हमारे कर्मों के अंदर कुशलता आती है। हम पल पल अपने आप पर अटेंशन देते हैं कि अब मुझे कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान से हमारे अंदर अब समझ आने लग जाती है। तो इस तरह से अब हमने जैसे कि ये रास को समझ लिया है, अपने 84 जन्मों के रास को भी जाना कि हम कोई 84 लाख योनियां नहीं लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं और वो भी मनुष्य के रूप में लेते हैं। और अब जो समय है संगम युग, तो ये श्रेष्ठ कर्म करने का युग है। इस जन्म में जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अपनी ये श्रेष्ठ पूंजी जमा करेंगे, उतना हमारे ये 84 जन्मों में हम हमेशा संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं होगा। तो ऐसे कहते हैं कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो आप कहाँ थे। तो सचमुच अभी वो समय चल रहा है कि भगवान भाग्य बांटने आए हैं और भगवान ने हमें कलम दे दी है। जितनी ना लंबी लकीर अपने भाग्य की हम खींचना चाहें वो हमारे हाथ में है। तो हमें अब कभी भी श्रेष्ठ कर्म करने में अपना देरी नहीं करनी है। जो भी शुभ कर्म करना है तुरंत, कहते हैं ना तुरंत दान महापुण्य, तो तुरंत अभी हमें अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। तो आइए हम चलते हैं अब अनुभूति की तरफ। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता,
फुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। झुकता ग्लानी निंदा सब कुछ सहता, नम्र रहता और झुकता ग्लानी निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर और करेंगे।